हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कैप्सिकम की चटनी। इसके लिए हमें चाहिए कैप्सिकम, मिर्च और लहसुन। पहले जार लेंगे, जार में कैप्सिकम डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कैप्सिकम लिए हुए हैं, 2 मिर्च और थोड़ा सा लहसुन। 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड हो गया है। यहाँ पे मेरा तेल भी गरम हो चुका है। इसमें हम जीरा डालेंगे, पिसी हुई कैप्सिकम की चटनी भी डाल देंगे। इसे फ्रेंड ऐसे ही पकाते रहना है जब तक तेल ना छूटे तब तक। यहाँ पे मैंने मिर्च डाली थी, ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप भी डाल सकते हो। ऐसे तेल छूटे तब तक इसे पकाते रहना है। ये पक गई है पूरी तरह, इसे हम सर्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सर्व की हुई रखी हुई थी। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल किंजल किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।